हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ की इस क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज की हम 3 क्लास कर चुके हैं, तो बीच में हमारी क्लासेस नहीं आई थी। उसके पीछे थोड़ा सा कारण था, हम कहीं चले गए थे जिसके कारण आपकी क्लासेस नहीं आ पाई। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि 2-4 दिन आपको क्लासेस नहीं मिलती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप ये मत समझना कि अब क्लासेस नहीं मिलेंगी। हमने आपसे वादा किया है कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, तो आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, विद इन टाइम में कराएंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास टाइम भी बचेगा 10 से 15 दिन का, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने आपसे बोला है तो हम आपकी कंप्लीट तैयारी यूपीटेट 2019 की कराएंगे, ठीक है। किसी कारणवश से 2-4 दिन क्लासेस नहीं आती है, तो ज़्यादा परेशान ना होया करें, ठीक है। सहयोग करें और मोटिवेट रहें और हमें भी मोटिवेट करते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज की हम 3 क्लास कर चुके हैं और ये आज हमारी कौन सी क्लास है? 4th क्लास है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्राइस और खपत से संबंधित प्रश्न। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो उसके खपत में हम कितनी कमी करें कि हमारा जो खर्च है वो सेम रहे। अगर पहले हम 500 रुपये खर्च करते थे तो प्राइस बढ़ गया तो हम उन्हीं रुपये में 500 रुपये पहले खर्च करते थे, अब 500 रुपये में ही कितनी वस्तु लेके आए कि हमारा क्या हो, खर्च ना बढ़े। इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 10% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया तो उसकी खपत में हम कितने परसेंट की कमी करें कि जो हमारा खर्च था वो पहले के बराबर रहे, जो पहले हम खर्च करते थे वही खर्च हो हमारा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे। जितना भी परसेंटेज आपको गिविन है उसकी क्या करेंगे आप, फ्रैक्शन लिखेंगे। अगर मैं 10% की फ्रैक्शन लिखता हूँ तो आप सभी को पता है 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/10 होती है। इतनी बात आई थिंक आपको सभी को क्लियर होगी, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि ये जो डिनोमिनेटर में होता है, हर में जो होता है, ये हमारा इनिशियली प्राइस होता है, इनिशियली प्राइस, या हम इसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा प्राइस बड़ा है तो पहले हमारा प्राइस क्या होगा, 10 होगा। ओरिजिनली हमारा प्राइस, इनिशियली हमारा प्राइस कितना होगा, 10 होगा, और अब बढ़ के कितना हो गया, 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब अब हमारा कितना हो गया होगा प्राइस, 11 पर हो गया होगा, ठीक है। 10 था और अब बढ़ के हमारा प्राइस क्या हो गया, 11 हो गया। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि प्राइस का जो रेशियो होगा, प्राइस का जो रेशियो होगा वो 10:11 होगा, 10:11 होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, खपत की बात करूं, खपत का रेशियो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है खपत का जो रेशियो होता है वो प्राइस के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जो भी आपका प्राइस का रेशियो होगा उसके जस्ट उल्टा जो होगा वो हमारा क्या होगा, खपत का रेशियो होगा। इसका मतलब खपत का रेशियो क्या होगा, 11:10 होगा, ठीक। और ये जो प्राइस का रेशियो होता है यही हमारा क्या होता है, सेम खर्च का रेशियो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है प्राइस, मूल्य और खर्च का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो खपत का रेशियो होता है वो खर्च या प्राइस के मूल्य के जस्ट अपोजिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हमसे बोल रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें कि प्राइस हमारा क्या रहे, खर्च हमारा क्या रहे, सेम रहे, पहले की तरह हमारा खर्च रहे, ठीक है। तो अब कितना कम करेंगे, देखो पहले हमारा कितना था, 11 था,
खर्च खपत की बात कर रहे हैं तो खपत हमारा पहले 11 था और अब कितना हो गया, 10 हो गया। कितने की कमी आ गई भैया, 1 की कमी आ गई। कितने से कमी आई है, देखो 11 था 10 हो गया, तो इसका मतलब 11 से कमी आई है, तो 11 को हम नीचे लिखेंगे इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहली क्लास में बताया था परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले पहली क्लास देखो, शुरू की क्लासेस देखो, उसके बाद इसे देखना, तभी समझ में आएगी, ठीक है। तो अब देखो अगर हम 1/11 की बात करें तो कितना फ्रैक्शन आएगा, कितना आ जाएगा परसेंटेज, यह आएगा 9 सही 1/11 परसेंटेज, ठीक है। क्यों, 11 99 होते हैं, एक बच्चे का 1/11 परसेंटेज, तो इतने की क्या हो जाएगी खपत में, इतने की क्या करनी पड़ेगी हमें, कमी करनी पड़ेगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं, यदि मैंने किसी वस्तु के मूल्य को क्या कर दिया, कम कर दिया, 10% कम कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि किसी वस्तु का मूल्य 10% क्या हो गया, कम हो गया, तो उसकी खपत में कितने की वृद्धि करें, कितने परसेंट की वृद्धि करें कि जो खर्च है हमारा वो पहले की तरह रहे, सेम खर्च रहे। अगर हम 1000 रुपये पहले खर्च करते तो अभी भी हमारा खर्च जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1000 रुपये ही होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम खर्च होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही करेंगे, 10% की फ्रैक्शन लिखेंगे हम, 10% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई 1/10 होती है, इनिशियली प्राइस होता है ये, ओरिजिनली प्राइस होता, ठीक है। अब प्राइस का तो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा, देखो अब कम हो रहा है प्राइस, इनिशियली हमारा कितना था, 10 था, एक की कमी होगी तो अब हमारा प्राइस क्या हो गया होगा, 9 हो गया होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो मूल्य का रेशियो होता है, जो खर्च का रेशियो होता है वो सेम होता है, लेकिन खपत का रेशियो मूल्य के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता, उल्टा होता। तो इसका मतलब क्या है कि जो खपत का रेशियो होगा वो क्या होगा, खपत का रेशियो आपका होगा 9:10। अब हमसे बोल रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि कर दे खपत में, जो खर्च हमारा क्या रहे, पहले के बराबर रहे। तो देखो कितने की वृद्धि होगी भैया, +1 की वृद्धि होगी। तो परसेंटेज निकालने के लिए वृद्धि, खपत में वृद्धि के लिए क्या करेंगे हम, खपत में कुल वृद्धि, ठीक है, कुल वृद्धि बराबर क्या होगा, कितने की वृद्धि होगी, देखो 1 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है, 9 था 10 हो गया तो 9 से हुई है, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9 परसेंटेज, ठीक है। इतने की क्या करेंगे हम, खपत में वृद्धि करेंगे तो हमारा जो खर्च होगा वो पहले की बराबर रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इस टाइप से रिलेटेड, चलिए देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है तब खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें, जिससे कि खर्च पहले के बराबर रहे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है तब खपत में कितने परसेंट की कमी करें, जिससे कि खर्च पहले के बराबर रहे, ये जो खर्च पहले था वही खर्च हो हमारा। अगर हम 500 रुपये पहले खर्च करते थे तो अब भी हमारा 500 रुपये खर्च होना चाहिए, ठीक है। खपत में हम चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज कितना करना पड़ेगा हमें, वो हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ 25% के फ्रैक्शन की, ठीक है, तो 25% का फ्रैक्शन आप सभी को मैंने पहली क्लास में बताया था क्या होता है, 1/4,
ठीक है। अभी कह रहा है कि प्राइस बढ़ जाता है, चावल का मूल्य बढ़ जाता है, अगर हम मूल्य का रेशियो निकालें तो क्या आएगा? यदि इनिशियली 4 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हो गया मूल्य का रेशियो। अब मैंने बताया था खपत का जो रेशियो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, मूल्य के या प्राइस के रेशियो के। तो उसका जो रेशियो होगा खपत का कितना होगा? 5:4 हो जाएगा। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हमसे बोला कि खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें जिससे कि खर्च पहले के बराबर रहे। देखो कितने की कमी हो रही है यहाँ पे खपत में, 1 की कमी हो रही है, कितने से? 5 से। ठीक है, इनटू 100 करोगे, 5×10 होता है, देखो 20%। तो इसका मतलब क्या है कि हमें खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 20% की कमी करनी पड़ेगी, आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है प्राइस का, और आसानी से आप क्या करेंगे फिर खपत का परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितने परसेंट की हमें कमी करनी है या वृद्धि करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा आज का? क्वेश्चन नंबर 2 है कि सब्जी के मूल्य में, सब्जी के मूल्य में, सब्जी के मूल्य में 16/2/3% की कमी हो जाती है तब खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें, कितने परसेंट की वृद्धि करें जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, हमसे पूछ रहा है कि सब्जी के मूल्य में 16/2/3% की कमी हो जाती है तब हम खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो सेम करेंगे जैसे हमने पहले करा था। हम क्या करेंगे, 16/2/3 का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। 16/2/3 का जो रेशियो होता है वो मैंने आपको बताया है कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक, अगर आपको नहीं भी आता रेशियो निकालना तो रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 16 × 48 = 50, तो कितना आएगा, 50/3% आएगा। अब मैंने आपको बताया था परसेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/100 होती है। तो 1/100 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से कितनी बार जाए, 2, और 2×3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/ कितना आएगा, 6, जो मैंने लिख दिया। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि आप इससे टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे सब चीजें। ठीक है, चलिए ये मैंने रेशियो लिख दिया। तो प्राइस का रेशियो, अगर मैं प्राइस का रेशियो की बात करूं तो प्राइस का रेशियो क्या होगा हमारा, देखो ये क्या कह रहा है कि 16/2/3% की कमी हो जाती है। यदि पहले 6 था प्राइस, अब कितना हो गया होगा, 1 की कमी हो गई, तो इसका मतलब अब 5 हो गया। ठीक है, 6 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया होगा। यार खपत में कितने की वृद्धि करें, तो खपत का जो आपका परसेंट रेशियो होगा वो कितना होगा, जस्ट का उल्टा होता है, 5:6 होगा। अब ये कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, तो वृद्धि कितने की हो रही है, यहाँ पे देखो 1 की वृद्धि हो रही है, कितने से हो रही है, 5 का 6 हो गया, 5 से हो रही है, इंटू 100 करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, 20% की वृद्धि करेंगे हम। ठीक है, तो आई थिंक ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा कि खपत में अगर हम 20% की वृद्धि कर दें तो हमारा जो खर्च होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या जो पहले खर्च कर रहे थे हम वही खर्च अब होगा हमारा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 3।
आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका आज की क्लास का, चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तब खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग समझ लेना, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 20% बढ़ जाता है, प्राइस का रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट, हम प्राइस का रेशियो निकालेंगे, प्राइस का इसका मतलब क्या, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है हमारा 1/5 होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसका मतलब क्या कि प्राइस अगर 5 था तो बढ़ के कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। अगर मैं खपत की बात करूँ तो खपत का रेशियो क्या होता, जस्ट उल्टा होता, 6:5 हो गया होगा, 6 था 5 हो गया होगा। तो कितने परसेंट की क्या हो गई, कमी हो गई, या कितने परसेंट की कमी कर दें, देखो कितनी कमी करनी पड़ेगी हमें, 1 की कमी करनी पड़ेगी क्योंकि 6 था 5 हो गया, तो 1 की कमी करेंगे किससे करेंगे, 6 से। और मैंने बताया था 1/6 का जो परसेंटेज होता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, वो कितना होता है 16/2/3%, ठीक है। यदि हम 16/2/3% की कमी कर दें खपत में, तो जो हम पहले खर्च कर रहे थे वही अब खर्च करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी अच्छे से, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत आसान है और सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं आपके, उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका है आय से रिलेटेड। मासिक आय अगर किसी की 100% है, मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज़ इनिशियली क्या होती है, 100% होती है। तो मैंने आगे आपसे बात कही कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 1,000 रुपये है और वो उसका 20% खर्च कर लेता है तो उसकी बचत बताइए। मैंने आपसे बताया था कि इनिशियली कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, तो 100% होती है या 1 होती है, ठीक है। तो हम इसको मान के चलेंगे कि उसकी इनिशियली मार्क्सिस आय जो होगी वो कितनी होगी, 100% होगी, वो 20% खर्च कर चुका है तो उसकी बचत कितनी होगी, 100 में से माइनस करेंगे इसका मतलब उसकी बचत कितनी होगी, 80% उसकी क्या होगी, बचत होगी, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से भी पूछ सकता है आपसे, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति की 1,000 रुपये मासिक आय है जिसका वो 80% खर्च कर देता है, अगर वो 80% खर्च करने के लिए बोलेगा तो कितनी बचत होगी, तो 20% बचत होगी, ठीक है। किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। किस टाइप से करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, चलिए देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं आपको, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर फोर है कि 720 रुपये की आय, 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि 720 रुपये की आय का, उसकी आय कितनी थी, 720 रुपये, ठीक है 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर, 65% खर्च कर रहा है
आय कितनी होगी अपने आप में ये क्या होगी 100% होगी, ठीक है, ये अपने आप में 100% होगी, जिसका उसने कितना यूज कर लिया 65% यूज कर लिया, तो इसका मतलब है कितनी बचत होगी उसकी, कितनी बचत होगी सोमे से, देखो अगर 65 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 35%, इसका मतलब उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, ये खर्च किया है उसने और ये क्या होगी उसकी बचत होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता, 35% बचत करता है वो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 100% बराबर हमें क्या गिविन है, 100% बराबर हमें 720 रुपए गिविन है, हमें निकालना क्या है बचत निकालना, इसका मतलब 35% हमें निकालना है, तो 35% क्या होगा 720, अगर मैं एक की वैल्यू निकालू तो मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड करूंगा, एक की वैल्यू हो जाएगी, अब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू 35 की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगा 35 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा, ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, ये कितनी बार जाएगा 36 बार जाएगा, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 7×6 42 का 2 हासिल लगे 4 7×3 21 और 4×25, ठीक है, तो 252 रुपए वो क्या करता है बचत करता है आंसर, ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा, 65% खर्च कर रहा है इसका मतलब उसकी बचत कितनी होगी 35%, 100% कोई भी चीज इनिशियली होती है उसकी मासिक आय जो होती है वो कितनी थी 720 रुपए थी जो कि 100% थी, 100% बराबर 720 है तो 35% बराबर हम कैसे निकालेंगे, पहले एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि 100 बराबर 720 है तो एक की वैल्यू आएगी 720/100, ठीक है, अब एक की वैल्यू आएगी तो एक की वैल्यू आएगी तो 35 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 35 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 252 रुपए, ठीक है, तो ये उसकी क्या है बचत है, ठीक है, 65% खर्च करने के बाद वो 252 रुपए बचा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रति मास माह खर्च करने के बाद, एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का मासिक आय का 12/1/2% बचाता है तब उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय बताइए, ठीक है, अब हमें क्या करना है उसकी मासिक आय बतानी है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी आय का 12/1/2% बचत करता तब उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 12/1/2% के क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, मैंने बताया था इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/8 होती है, ठीक है, यदि आपको निकालनी नहीं आती तो मैं फिर बता देता हूँ, 12×2=24 25/2 लिख सकते हैं हम परसेंटेज, और परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपसे बताई थी 1/100 होती है, तो 1/100 लिखेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4×2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 1/8, ये क्या होती है इनिशियली होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो इसका मतलब क्या है कि 8 हमारी ओरिजिनल थी, ये क्या थी हमारी उसकी मासिक आय होगी, 8 को क्या होगी व्यक्ति की मासिक आय होगी, जिसका वो क्या करता है 12.5% बचाता है, इसका मतलब एक बचाता है, 8 मासिक आय है जिसमें से एक बचाता है, तो उसका खर्च क्या होगा, इसका मतलब खर्च क्या होगा, उसका खर्च बराबर होगा 8-1=7, मतलब कि 7 वो खर्च कर देता है, एक बचाता है, 8 उसकी मासिक आय है, तब हमें क्या बनाना उसकी मासिक आय बतानी है,
तो ये देखो 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद, मतलब कि 3500 रुपये खर्च कर रहा है, इसका मतलब 3500 रुपये किसके बराबर है, मतलब कि 7 बराबर कितने हैं, 3500 रुपये हमें दे रखा है, ये भी खर्च है ये भी खर्च है एक माह का, ठीक है। 7 बराबर 3500 है तो हम 8 बराबर निकाल सकते हैं, हमसे आय पूछा है, मासिक आय, और मासिक आय क्या हमारी 8 है, तो 8 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 35, 1 की वैल्यू निकालेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 पंजे 35, 500 आ गया, और 500 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब व्यक्ति की जो मासिक आय थी वो कितनी थी हमारी 4000 रुपये मासिक आय थी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि श्याम घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल कूद पर खर्च करता है, तब 900 रुपये की बचत करता है। इतना खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का वो कितना बचत करता है, 900 रुपये की बचत करता है, तब श्याम की मासिक आय क्या होगी, ये हमें बताना है श्याम की मासिक आय क्या होगी, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि मासिक आय या कोई भी चीज़ अपने आप में इनिशियली क्या होती है, 100% होती है। इसका मतलब क्या कि श्याम की जो मासिक आय होगी इनिशियली वो कुल आय क्या होगी, कुल आय अपने आप में इनिशियली 100% होगी। अब 100% होगी, उसका 50% वो खर्च कर चुका है घरेलू चीजों पर, ठीक है। घरेलू चीजों पर 50% उसने खर्च कर दिया, तो इसका मतलब हम इसमें 50% माइनस कर देंगे, 100 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 50% बचेगा। इसका मतलब अब मेरे पास कितना बचा, 50% बचा, ठीक है, खर्च करने के लिए, और चीजों पे खर्च करने के लिए 50% बचा, 50% तो मैं खर्च कर चुका हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि और शेष में से जो अब हमारे शेष पास 50% बचा है, उसमें से 50% खर्च करता है परिवहन पर। 50% का मतलब क्या होता है, 50% के अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, 50% के फ्रैक्शन की बात क्या करूं, 1/2, इसका मतलब क्या, जो बचे हुए 50% है उसका आधा, मतलब कि 1/2% वो किस पे खर्च करता है, परिवहन पे खर्च करता है। तो परिवहन पे जो खर्च होगा वो उसका कितना होगा, परिवहन पे जो खर्च होगा वो कितना होगा, 25%, ठीक है। वो 25% किस पे खर्च कर देता, परिवहन पे खर्च कर देता है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद बोल रहा है कि 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, इसी शेष का जो 50% हमारा बचा हुआ है उसी का 25% वो क्या खर्च करता है, मनोरंजन पर खर्च करता है। इसका मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 50% का अगर हम 1/4 की बात करें तो इसका मतलब मनोरंजन पे कितना खर्च करेगा, वो मनोरंजन पे जो खर्च होगा उसका वो कितना होगा, देखो 50 का अगर हम 1/4 करेंगे कितना आएगा, 12.5%, 12 सही 1/2%, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%, ठीक है। तो 12.5% वो किस पे खर्च करता है, मनोरंजन पे खर्च करता है अपने 50% का, ठीक। उसके बाद बोला कि 10% खेलकूद पर खर्च करता है। अगर मैं 50% के 10% निकालूं तो इसका मतलब कितना आएगा, देखो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो इसका मतलब क्या आ गया कि खेल कूद पर जो खर्च होगा उसका वो कितना होगा, 50% का 1/10 तो कितना आएगा, 5%। अब देखो 50% तो वो पहले ही खर्च कर चुका था, 50% बचा था, अब इस 50% में से वो कितना खर्च कर चुका है ये देख लेते हैं। देखो 25 ये है, 5 ये है, कितना हो गया 30, और 30 और 12 कितना हो गया 42, 42.5 42.5% वो 50% में से खर्च कर चुका है। बचे हुए 50% में से जो शेष हमारा 50% था उसमें से 42.5% वो खर्च कर चुका है, 42.5% खर्च कर चुका है, तो उसके पास कितना बचा, इसका मतलब कितना बचा होगा, बचत कितने की होगी उसने, 7.5% की बचत की होगी, ठीक है, जो कि कितने के बराबर है हमारे पास, 900 के बराबर है, 900 रुपये दे रखा था बचत फाइनली हमें, ठीक है। तो हमसे बोला था मासिक आय अपने आप में हमने क्या मानी थी शुरू में, 100%, तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 900 × 100/7, ठीक है। अगर पॉइंट हटाएं तो 10 और बढ़ जाएगा हमारा, आ रही बात समझ में, ठीक। 25 कितने होते हैं,
75 होते हैं और दो जीरो काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि दो जीरो का मतलब है 100, ठीक है। जो 25 या 75, 25 चौका 100। अब इस 3 से अगर हम 9 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 चौक 12 और ये 1000 है तो इसका मतलब कितना जाएगा, 12000। तो जो श्याम की मासिक आय थी वो कितनी थी, 12000, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। यदि आपको 2 से 3 दिन कोई वीडियो नहीं मिलती है किसी सब्जेक्ट की तो परेशान ना होया करें, ठीक है। हमने आपसे वादा किया है आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे विद इन टाइम में कराएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको बहुत समय मिल जाएगा, ठीक है। हम पे विश्वास बनाए रखें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें तथा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स सर्कल में हैं जो यूपीटेट 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी को शेयर करें हमारा चैनल, ठीक है। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।